अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज़ और कॉइन का एनालिसिस। साथ में फ्रेंड्स, हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपको फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं। पर डे के आपको एक या दो सिग्नल्स मिलते हैं और हर सिग्नल से आपको 20-30% प्रॉफिट होता ही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सीरीज़ नहीं देखा, तुरंत हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा सीरीज़ दिखाई देगा। लगभग हमारे 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 12 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक जनरली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यूजुअली ये अकर होता है बॉटम में और डाउन ट्रेंड के बाद। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ द 3 कैंडलस्टिक। जनरली अभी तक हमने जो चेक किया था इससे पहले, सिंगल कैंडलस्टिक देखा है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी, मारुबोजू, ये सब जो पैटर्न से ये सिंगल कैंडलस्टिक थे। इसके पहले हमने और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा है और अभी हम चेक करने वाले 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें एक्सपर्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको किस तरह एक्सपर्ट ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी हम उस सेशन पे मूव करने वाले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशनल बनाना चाहता है या फिर सिर्फ ट्रेडिंग से अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं, तो उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा कब एक्शन और क्या एक्शन लेना है। तो उसके लिए आप सीरीज कंटिन्यू कीजिए, पूरा सीरीज मैंने बना के रखा हो आपके लिए, तो आप उसको देखिए। जो फ्रेश फर्स्ट टाइम व्यू देख रहा है इस वीडियो को, तो पूरा सीरीज देखिए, ताकि फ्रेंड्स आप जब तक कुछ सीखोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। तो पहले सीखिए, समझिए और तभी आप इनकम उससे कर पाएंगे। सो अभी हम देख लेते हैं एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार किस तरह दिखाई देता है। जनरली मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। पहला जो रहेगा यहाँ पर बियरिश कैंडल रहेगा, दूसरा एक डाउन ट्रेंड में एक कैंडल बनेगा जो कि बुलिश होने दो या बियरिश होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो रहेगा बुलिश, मतलब एक इस तरीके का रेड कैंडल रहेगा कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर रेड बने या ग्रीन बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद बुलिश ही कैंडल बनना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन किया हो कि आप चेक कीजिए यहाँ पर ओपन डे 1 क्लोज डे 1, मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड और डे 1 है। एक बात बताना चाहूँगा गाइस, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाउन ट्रेंड को स्पॉट करने के लिए। ये ना अगर कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर हमको पता करना है कि डाउन ट्रेंड कहाँ पर एंड हो रहा है, तो मॉर्निंग स्टार कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपको ट्रेडिंग में दिखाई देगा। तो अगर आप ये डे 1 की ट्रेडिंग के साथ करेंगे गाइस, तो आपका जो ट्रेड रहेगा ये 110% प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि गाइस, डे 1 में 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर में डिफरेंस यही होता है कि डे 1 में आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि भाई अभी हाँ अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये स्पॉट हो चुका है कि डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है और यहाँ पर आपसे मूव होगा। तो ऑलमोस्ट 30, 60, 90% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर इसके साथ कोई न्यूज़ मिल जाती है, मतलब एक डाउन ट्रेंड था, मॉर्निंग स्टार भी पता चल गया और उसके बाद अगर कोई न्यूज़ मिलता है जो कि पावरफुल न्यूज़ है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो फिर 100-200% तो ईजिली बनता है। लेकिन एक नॉर्मल अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँगा इस, तो 10% से लेकर 30-40% तो जनरली बनता है। 40% तो ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन 30% तो ऑलमोस्ट बनता ही बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप मंथ में 4 ट्रेड कर रहे हो, हर एक पे से 30% मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 90 या 120% प्रॉफिट हो रहा है आपके कैपिटल का, आपके पोर्टफोलियो का। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हूँ, क्या डेली ट्रेड पर फोकस ना कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, ये क्या चीज़ मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में बता दूंगा। बट फिलहाल इसको समझ लीजिए, मॉर्निंग स्टार किसको हम कहेंगे, कब कहेंगे। पहले एक रेड कैंडल यानी बियरिश कैंडल बनेगा, उसके बाद एक छोटे बॉडी वाला कैंडल बनेगा, उसको ऊपर नीचे शेडो हो रहेगा भी तो चल जाएगा, नहीं भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इतना याद रखिए, एक रेड कैंडल के बाद एक यहाँ पर ग्रीन बने या रेड बने मतलब नहीं है, लेकिन बॉडी छोटी होना चाहिए और उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो बुलिश होना चाहिए। अगर आप पर डे के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली जो पर डे का टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ये आपका ट्रेड हो सकता है। बट इसको आप 30 मिनट्स पर बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। 1 आवर ठीक है चल जाएगा, 4 आवर तो बहुत बेहतर है, और 1 डे तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, देखते हैं एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार के कुछ रूल्स है, क्या कंडीशन होगा, किस तरह स्पॉट कर सकती है हम, उसका रूल्स कंडीशन किस तरह है, ये भी हम चेक कर लेंगे।
जैसे कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हो, रूल्स फर्स्ट कैंडल मस्ट बी द स्ट्रांग डाउन, इतना याद रखिए गाइस, सॉरी इतना याद रखिए गाइस कि हम डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर आपको एरो में शो किया जा रहा है कि कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड यहाँ पर था और काफ़ी लंबे समय के लिए मार्केट गिर रहा था। इसमें 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट का टाइम पीरियड सेलेक्ट नहीं करना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो टाइम पीरियड कम सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके अंदर बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा है। अरे वर्क करेंगे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चूज़ कीजिए जो कि एग्जैक्टली मैच हो सके उसके हिसाब से, क्योंकि आप अगर 1-2 मिनट का लेंगे तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं, उसमें समझ में भी नहीं आता है। और बाई चांस अगर ऐसे को ट्रेंड मिल भी जाता है उसमें प्रॉफिट होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो कभी भी 1 आवर 4 आवर 1 डे का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, पहला रूल क्या है इसका मॉर्निंग स्टार का, क्या भाई फर्स्ट कैंडल जो रहेगा वो स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड शो करना चाहिए। मतलब जो एंड जो स्टार्ट होगा हमारा 3 कैंडल का पैटर्न, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए, वो भी काफ़ी स्ट्रांग यानी अच्छी खासी बियरिश दिखना चाहिए। दूसरा क्या रहेगा फ्रेंड्स, सेकंड कैंडल स्टार रियल बॉडी मस्ट नॉट टच द पैरियर रियल बॉडी। ठीक है, सेकंड कैंडल जो है इस तरीके का भी रहेगा, चलेगा यहाँ पर रेड हो ग्रीन हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखिए इसका जो शैडो है ऑलमोस्ट उसके उसके बॉडी के बराबर उसका नहीं होना चाहिए। मतलब इसके शेडो में इसकी बॉडी नहीं बनना चाहिए, इससे थोड़ा सा गैप मार के बॉडी बनना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत होते तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेना है। तो फिलहाल बस इतना ही समझिए कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के एक सिंबल मिलना चाहिए बियरिश कैंडल का, उसके बाद जो कैंडल बनेगा चाहे वो रेड हो ग्रीन हो मतलब नहीं है, लेकिन बॉडी छोटी होना चाहिए, शेडो भी छोटे होना चाहिए। ठीक है, इतना याद है कि कोई डोजी कैंडल हमको नहीं चाहिए। थर्ड कैंडल विद स्ट्रॉन्ग अप बार ईटिंग इनटू अ मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट बार, अगर इस तरीके का मारुबोजो भी लेंगे आपको जो कि बुलिश मारुबोजो है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। इसके अलावा अगर इस चीज़ को अगर शेडो या लो भी लग जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा, लेकिन आपको फिर भी कन्फर्मेशन का वेट करना है। थोड़ा हम भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में देख लेते हैं किस तरह एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार फाउंड होता है। यहाँ पर आप चेक करो, अगर ये 1 घंटे का भी हम समझ कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 घंटे का डाउन ट्रेंड था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कलर मैटर नहीं रखता है, रेड होने दो ग्रीन होने दो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए जो ग्रीन कैंडल बनेगा इसकी बॉडी टोटली इसके हाफ के ऊपर होना चाहिए। यानी इसके पहले जो रेड कैंडल जो बियरिश कैंडल था जो हमारा बुलिश कैंडल बनेगा एक छोटी बॉडी के बाद, तो उसके बाद आपका यहाँ जो कैंडल बनेगा तो कम से कम इसकी बॉडी को मीट करना चाहिए, यानी इसके हाफ बॉडी के ऊपर तक जाना चाहिए। कम से कम जो क्लोज होंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो कम से कम हाफ बॉडी तक बनना चाहिए और हमको एंट्री इस कैंडल स्टिक से लेना है, या नहीं तो आप यहाँ पर भी एक लाइन बनाकर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हो। मतलब इस चीज़ के ऊपर आपको एक ऐसा सपोर्ट बनाना है जहाँ पर आपको ये अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर ये चीज़ ब्रेक होता है तो आप उसको एंट्री ले सकते हो और फिर यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितने अच्छे कंटिन्यूएशन में अप गया है। काफ़ी स्ट्रांग सिग्नल्स बताया जाता है इसको और काफ़ी इजीली ये स्पॉट भी होता है जनरल कैंडल स्टिक है। इतना याद रखिएगा इस पहला रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद एक छोटी बॉडी वाला कैंडल, रेड हो या ग्रीन हो मतलब नहीं रहेगा उससे कोई, उसके बाद जो कैंडल बनेगा ऑलमोस्ट इसके पहले का जो रेड कैंडल था बियरिश कैंडल था उसके हाफ में क्लोज होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और आपको जो एंट्री लेना है इस कैंडल से लेना है। एक दोबारा अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए एक रेड बॉडी है, एक ठीक है, चलो ठीक है, ये जो इसके मुकाबले ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि बॉडी ये जो रेड बनेगा ठीक है इसके बाद का बॉडी उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक मुकाबले देखिए तो थोड़ा बड़ा है, उसके बाद आप अगर इसको देख रहे हो तो ये थोड़ा सा छोटा है। अगर आपको याद है तो हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे डाउन ट्रेंड के बाद जो स्पॉट होता है, होपफुली अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएं और हमको जो कन्फर्मेशन मिल चुका है स्ट्रॉन्ग का, और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितनी अच्छी तरीके से मूवमेंट लिया है। एक बात हमेशा याद रखिए गाइस, जब भी डाउन ट्रेंड आता है या कोई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, आप बोलेंगे हमको स्ट्रेट सीधा ऊपर जाना तो नहीं होता है, यहाँ पर जिस तरह अप फिर थोड़ा डाउन फिर अप, यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, मतलब कभी भी मार्केट एक ट्रेंड में मूव नहीं करेगा, अप एंड डाउन करके करेगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को मेन टूल माना जाता है, क्योंकि हम वहाँ पर समझ जाते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा मूवमेंट है। अब जब इस तरीके से अप जाएंगे तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ठीक है, और वो कैसे बनाएंगे मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उस ट्रेंड लाइन की मदद से आप समझ सकते हो कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा अपवर्ड ट्रेंड को
या ब्रेक करेगा, तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू उसको करने वाला। बट इतना फिलहाल याद यही रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो भी आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं या फिर जो भी आप खुद से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए आप उसको पहले मार्केट को समझिए, उसी के बाद उसमें एंटर कीजिए और हर एक कैंडल स्टिक को पहले स्टडी कीजिए। बोलने का मतलब ये गाइस, क्या आप जो भी कैंडल अभी तक आपने सीखा है, ऑलमोस्ट 12 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पार्ट इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो जितने भी पार्ट आपने सीखा है हर एक कैंडल स्टिक को उम्मीद है कि आपने नोटबुक में या नोटपैड में जहाँ पर भी आपको याद रह सके आपने उसको लिख कर रखा है। उसके बाद एक चार्ट उठाइए पुराने कोई भी कॉइन का, ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल पहले का, और उसके अंदर चेक कीजिए, अपने आंखों को ट्रेन कीजिए कि एग्जैक्टली किस तरह आपको कैंडल स्टिक दिखाई दे रहे हैं और किस तरह उसको समझ रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि यस ये भी वर्क करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक पैटर्न, एक बार अपने आंखों को ट्रेन कीजिए, एक बार जाकर प्रीवियस चार्ट देखिए, एक एक करके पूरे कैंडल स्टिक को समझिए, उसके बाद का इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो समझिए, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप और भी अच्छे लेटेस्ट वीडियो चाहते हो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। होपफुली मैं आपका सेशन पढ़ता हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी आपका सेशन है इंशाल्लाह उसके रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।